कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों ने 3 दिन पत्रकार पर दूसरी बार जानलेवा हमला कर दिया है। मारपीट में निजी टीवी चैनल के पत्रकार राहुल शाक्य को काफी चोटें आई हैं। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से दबंगों की शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं करने के चलते दबंगों ने फिर हमला कर दिया है। पत्रकार राहुल शाक्य के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इस खबर पर पत्रकार राहुल शाक्य खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं और आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या कुछ कारण है, क्यों आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है? ये बता दूं कि जो दबंग लोग हमारे पे हमले किए थे वो काफी दबंग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 1992 में एक मर्डर केस में वो पाए गए थे, जिससे लेकर उसमें कार्रवाई चली थी। लेकिन 2 दिन पहले हमारे झगड़े होने के बाद उन्होंने हमसे लगातार जान से मारने की दृष्टि आ रही थी। इसके बाद उन्होंने कल हमको अकेले करके रास्ते में मारा, उसके बाद वो लोग फरार हो गए। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? जैसा कि पहले जो तहरीर दी गई थी उसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन जब रात को तहरीर दी गई थी तो तभी दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी साफ रूप से कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो पत्रकार राहुल शाक्य हैं वो खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और शिकायत करने पर दबंग जो है वो लगातार धमकी दे रहे हैं और पत्रकार पर दूसरी बार हमला किया गया है। तो आपको बता दें कि छिपट्टी मोहल्ले में दबंगों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों ने 3 दिन पत्रकार पर दूसरी बार जानलेवा हमला किया है और मारपीट में निजी टीवी चैनल के पत्रकार राहुल शाक्य को काफी चोटें आई हैं। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से दबंगों की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते दबंगों ने एक बार फिर हमला कर दिया है। पत्रकार राहुल शाक्य के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी दबंग उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब हमने एसपी से इस पूरे ही मामले में रिएक्शन लेने की कोशिश की तो एसपी ने फोनों देने से मना कर दिया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दबंग है इसी वजह से उनके हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस कारण दबंग जो है वो बेखौफ होकर क्षेत्र में घूमते हैं और पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो राहुल शाक्य है इसमें 3 दिन के अंदर दूसरी बार हमला हुआ है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस जो एसपी है उनसे फोनों लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोनों देने से मना कर दिया है।